हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक चैंपियन किंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, दोस्तों यदि आप अपने यूट्यूब को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने यूट्यूब को दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपके फ़ोन से यूट्यूब गायब हो चुकी है तो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप अपने यूट्यूब को वापस ला सकते हो और उसको दोबारा से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और समझना है। दोस्तों जो चैनल पर नए आए होंगे, वीडियो के नीचे दोस्तों एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, दोस्तों उसको सबसे पहले काला कर देना है और दोस्तों नोटिफिकेशन को ऑल कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यदि आप अपने YouTube को डाउनलोड करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, दोस्तों क्या करना है आपको, दोस्तों सबसे पहले अपने फ़ोन की जो सेटिंग है आपको सबसे पहले उसको ओपन कर लेना है। इस तरीके से सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपकी फ़ोन में ऐप्स या ऐप्स मैनेजमेंट या एप्लीकेशन एंड परमिशन का एक ऑप्शन होगा, आपको सबसे पहले उसको क्लिक कर देना है। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा ऐप मैनेजर के नाम से, उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग लेगा। आपके फ़ोन की जितनी भी एप्लीकेशन है वो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। आपके फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशन है आपको यहाँ पर देखना है कि यूट्यूब कहाँ पर है। दोस्तों ये रही सबसे नीचे की साइड आपकी यूट्यूब, इस पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फोर्स स्टॉप इनेबल। दोस्तों क्या होता है, जो आपकी यूट्यूब है परमानेंट जो फ़ोन में उसके साथ ही आती है, इसको डिलीट नहीं किया जा सकता है दोस्तों, ये सिर्फ इनेबल और डिसेबल हो जाती है। गलती से कभी आप अपने बच्चे को या किसी को भी फ़ोन दे देते हो तो वो क्या करता है, उसको डिसेबल कर देता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ आप इसको दोबारा से अपने फ़ोन में कैसे ला सकते हो। दोस्तों आपको इसे इनेबल कर देना है इस तरीके से। फिर दोस्तों आपको बैक आ जाना है, आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में आ जाए। यहाँ पर आपको दोस्तों एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर लिखना है YouTube। ठीक है दोस्तों, YOU। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों, फिर आपको इसको सबसे पहले आपको इसके अपडेट कर लेना है। इस तरीके से आपको दोस्तों इसे अपनी YouTube को दोस्तों अपडेट कर लेना है। थोड़ा दोस्तों टाइम लगेगा, जो आपकी YouTube है थोड़ा डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो दोस्तों जो आपकी YouTube है वो आपको आपके मोबाइल में आपको थोड़ा देखने को मिल जाएगी। दोस्तों जो आपकी YouTube है वो इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी और आप उसको दोबारा से ओपन कर सकते हो। थोड़ा सा दोस्तों इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगा किस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो। दोस्तों आपको यहाँ पर इंस्टॉल होने के बाद एक ऑप्शन आएगा ओपन का, ठीक है, आपको दोस्तों उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे आपकी YouTube पहले चल रही थी उससे भी ज़्यादा अच्छी चलने लगेगी। अब ये दोस्तों जो आपकी YouTube है दोस्तों अपडेट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों डाउनलोड होने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, अनइंस्टॉल ओपन। दोस्तों आपको इसको यदि ओपन करना चाहते हो तो आप इसको ओपन कर सकते हो इस तरीके से। दोस्तों अब आपकी YouTube दोस्तों आपके फ़ोन में चलने लगेगी, आप इस तरीके से अपने YouTube में कुछ भी देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने YouTube को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, तो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका दिन शुभ।